तो फ्रेंड्स माउस रोज का जो प्लांट होता है वो धूप का प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसे आप धूप वाली जगह पर रखें, इसे 24 घंटे की धूप में रखें, तभी इसमें हैवी फ्लावरिंग होगा। अगर आपने पौधा छाया वाली जगह पर रखा है तो उसे आप 24 घंटे की तेज़ धूप में रखें फ्रेंड्स, तभी इसमें हैवी फ्लावरिंग आएंगे, इतने सारे बर्ड्स आएंगे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है आपने देखा होगा कि सुबह के समय बिल्कुल खिला नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें धूप पड़ती जाती है जो इसके फ्लावर है वो खिलते जाते हैं, और जैसे ही शाम होता है इसके फ्लावर जो है वो बंद हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये माउस रोज का प्लांट होता है वो तेज़ धूप का पौधा होता है, इसे आप तेज़ धूप में रखें तभी इसमें हैवी फ्लावरिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने माउस रोज के प्लांट में दो तीन काम ऐसे करने हैं जी ताकि आपके माउस रोज के प्लांट में हैवी फ्लावरिंग हो सके और जो हमारा माउस रोज का प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। पहला काम तो यह है कि फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका जो ये माउस रोज का प्लांट है वो पूरी तरह ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें पानी देख कर, मिट्टी देख कर ही इसमें पानी डालें। इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इसकी मिट्टी हल्की नमी बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, तभी आपका जो माउस रोज का प्लांट है वो बच सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बरसात आने वाली है और बरसात में ही आप अपने माउस रोज की प्लांट की केयर आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि बरसात में इतना अधिक पानी गिरता है ना फ्रेंड्स कि हमारा माउस रोज का जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप अपने माउस रोज के प्लांट को ऐसी जगह पर रखें फ्रेंड्स जहाँ पानी कम गिरे, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पानी आता ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने माउस रोज के प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी डालने से ही हमारा जो माउस रोज का प्लांट है वो ख़राब होता है। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, जो इसके सूखे फूल होते हैं इसको बिल्कुल हटा देना है फ्रेंड्स, क्योंकि सूखे फूल होते हैं वो फंगस का कारण बनता है, और सूखे जो फूल होते हैं वो नीचे गिरते रहते हैं जिससे फंगस हो जाता है और हमारी प्लांट्स की जड़ को ख़राब कर देता है। और तीसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स, हमें अपने माउस रोज के प्लांट पर समय समय पर फर्टिलाइज़र डालना है, खाद डालना है, ताकि हमारे माउस रोज के प्लांट में इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग हो सके। तो फ्रेंड्स, हैवी फ्लावरिंग के लिए हमें दो खाद इसमें डालने पड़ेंगे ताकि हमारे जो माउस रोज का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो फ्रेंड्स, वो खाद कौन कौन सा है यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे हमारे माउस रोज के प्लांट में इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग होगा फ्रेंड्स, और आपकी प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू होगी, फ्लावर आएंगे, बर्ड्स आएंगे, आपका जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यह है प्याज का छिलका, और प्याज के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है फ्रेंड्स, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। तो इसे हमें एक दिन के लिए पानी में भिगाकर रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से जब ये फार्मेट हो जाएगा तभी इसका यूज़ हमें अपने प्लांट्स पर करना है। तो देखिए 24 घंटे के बाद ये पूरी तरह से फार्मेट हो चुका है और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। मैंने इसे पहले से बनाकर रख लिया था, मैंने आपको दिखलाने के लिए सब किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 24 घंटा होने के बाद आपके जो पानी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये हमारे प्लांट्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। लेकिन इसे हमें ऐसे डायरेक्ट पानी पर नहीं, प्लांट्स पर नहीं डालना है, हमें इसे पहले छान लेना है, उसके बाद इसे अपने प्लांट्स को देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया है और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो आधा गिलास है फ्रेंड्स, इसमें हमें आधा गिलास पानी डालना पड़ेगा। तो आप जब भी कभी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें पानी डाइल्यूट करने के बाद ही यूज़ करें। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारे प्लांट्स को देने के लिए तैयार है। आप भी इसी तरह से होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें फ्रेंड्स, आपके प्लांट्स में भी इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग होगा। और ये बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर, और पोटेशियम, आयरन और फास्फोरस, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व है फ्रेंड्स, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा खाद वो है फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट्स के लिए तो एकदम बेहतरीन है, इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। आपके कोई भी प्लांट्स हो, आपके फ्लावर वाले प्लांट्स हो, इसका यूज़ आप ज़रूर करें, आपके प्लांट्स में इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग होगा। तो दूसरा खाद यह है फ्रेंड्स, यह है गोबर की कंडे की खाद। आपको कंडे को दो तीन दिन तक भिगा कर रख देना है। मैं इसी तरह से भिगा कर पहले से रख लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने प्लांट्स को दे सकूँ। तो ये पूरी तरह से फार्मेट हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फार्मेट होने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें झाग झाग जैसे हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, फार्मेट होने के बाद ऐसे ही होता है। तो आपको इसको लेना है और अपने प्लांट्स में पानी में डाइल्यूट करने के बाद ही इसका वो डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है वो आधा गिलास है, इसमें हमें आधा गिलास पानी डालना पड़ेगा, तभी हम इसे अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है वो सबसे फ़ायदेमंद है, सबसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, जो ये फर्टिलाइज़र है
जो गाय की गोबर की खाद होती है ना फ्रेंड्स, हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाहे हमारे फ्लावरिंग प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, चाहे वो हमारे आउटडोर प्लांट हो, सभी के लिए बेहतरीन बेस्ट खाद है फ्रेंड्स। इस खाद का यूज़ करके आप जरूर देखें, आपको इसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं फ्रेंड्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे प्लांट्स में इतने हैवी फ्लावरिंग लाएगा ना, इसके डालने के बाद इतने अधिक फ्लावर होगा, फूल आएंगे, बर्ड्स आएंगे और आपके प्लांट्स पर न्यू ग्रोथ शुरू होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको भी आप अपने प्लांट्स पर डाल देना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें, इसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से आपके प्लांट्स में भी हैवी फ्लावरिंग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा माउस रोज का प्लांट होता है वो धूप में बिल्कुल ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। इसे आप इसी तरह से 24 घंटे की धूप में रखें, तभी आपके जो माउस रोज के प्लांट है ना फ्रेंड्स, उसमें हैवी फ्लावरिंग होगा। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, कितनों भी तेज़ धूप रहे इसमें सहन करने की क्षमता होती है। आप इसी तरह से इसे तेज़ धूप में रखें, तभी आपके जो माउस रोज के प्लांट है ना फ्रेंड्स, उसमें हैवी फ्लावरिंग होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।